नंबर सेवन में हमें क्या करना है एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करना है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दे रखी है सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ तो यहाँ पे हम यहाँ पे करंट और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है तो सबसे पहले करंट में हमें दे रखा है जीरो पॉइंट फाइव और वन पॉइंट जीरो ये हमारी जितनी वैल्यू होती है किस में होती है एम्पियर में होती है करंट की क्योंकि करंट की जो यूनिट है वो हमारी क्या है एम्पियर है और यहाँ पर थ्री पॉइंट जीरो फिर यहाँ पे हमारा 4.0 और इसके हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है 1.6 पॉइंट सिक्स फिर हमें यहाँ पे दे रखा है थ्री पॉइंट फोर फिर यहाँ पे सिक्स पॉइंट सेवन दे रखा है और यहाँ पे टेन पॉइंट टू दे रखा है फिर यहाँ पे दे रखा है थर्टीन पॉइंट टू अब हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन वैल्यूज़ को देख के हमें यहाँ पर क्या करना है पोटेंशियल डिफरेंस और करेंट के बीच में क्या करना है ग्राफ प्लॉट करना है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या था? चाहिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक्स एक्सिस बना लेता हूँ ठीक है ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस हो गया वाला और एक हम यहाँ पे बना लेंगे वाई एक्सिस ठीक है ये वाला हमारा हो गया वाई एक्सिस और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये हमारा क्या था एक्स एक्सिस था और ये वाला जो था हमारा वाई एक्सिस था एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे वोल्टेज लिखेंगे ठीक है ये हमारा वोल्टेज के लिए है और ये हमारा किसके लिए करंट के लिए ठीक है करंट हमारा क्या होता है आई होता है इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं करंट बोलते हैं और वोल्टेज हमारा यहाँ पे वी से डिनोट होता है क्लियर है अब इसको यहाँ पे और आगे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या करना है तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट फाइव के लिए वन पॉइंट सिक्स दे रखा है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ यहाँ पर वन टू किस को मानेंगे जिससे हमें यहाँ पर ईजी हो जाएगा लेने में ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि हमने किसको वन माना है किसको टू माना है किसको थ्री माना है तो यहाँ पर जो एक लाइन है ये हमारा वन है ये हमारा टू है फिर यहाँ पर थ्री फोर फाइव क्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व फिर देन थर्टीन ठीक है तो यहाँ पे हमारा थर्टीन पॉइंट टू तक था तो हम उसके आगे तक लेंगे जो कि हमारा थर्टीन पॉइंट टू तो हम बाद में देखेंगे सबसे पहले हमें यहाँ पे पॉइंट फाइव का वन पॉइंट सिक्स देना है तो पॉइंट फाइव हमारा किस एक्सिस पे है वाई एक्सिस पे मतलब पॉइंट फाइव हमारा यहाँ पे कुछ इस साइड आएगा ठीक है ये हमारा पॉइंट फाइव होगा और वोल्टेज हमारे यहाँ पे वन पॉइंट सिक्स मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा तो इसका मतलब जो यहाँ पे पॉइंट क्रिएट होगा वो हमारे यहाँ पे होगा ठीक है ये जो पॉइंट बनेगा ये यह हमारा यहाँ पर बनेगा सेम यहाँ पे हम आगे देखते हैं तो वन के लिए यहाँ पे थ्री पॉइंट फोर दे रखा है तो यहाँ पे वन के लिए हमें क्या दे रखा है थ्री पॉइंट फोर जो कि हमारा यहाँ पे कुछ बनेगा ठीक है ये हमारा क्या पॉइंट था ये हमारा वन था वन के लिए यहाँ पे थ्री पॉइंट फोर पे बनेगा सेम यहाँ पे टू पॉइंट जीरो के लिए यहाँ पे क्या बन रहा है सिक्स पॉइंट सेवन तो करंट पे टू हमारा यहाँ पर होगा और उसके लिए हमें यहाँ पे क्या बनाना है सिक्स पॉइंट सेवन तो इसका समथिंग यहाँ पे टू के लिए सिक्स पॉइंट सेवन यहाँ पर कुछ समथिंग बनेगा ठीक है सेम यहाँ पे हमें और क्या दे रखा है थ्री के लिए टेन पॉइंट टू तो यहाँ पे हमारा बनेगा थ्री और थ्री के लिए हमें यहाँ पे टेन पॉइंट टू मतलब टेन से थोड़ा सा आगे और जाना पड़ेगा और थ्री पॉइंट हमारा इस साइड है तो ये यह हमारा यहाँ पर बन गया टेन पॉइंट टू सेम यहाँ पे फोर के लिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है फोर पॉइंट जीरो के लिए थर्टीन पॉइंट टू तो ये यह हमारा यहाँ पर कुछ बनेगा फोर और यहाँ पे थर्टीन पॉइंट टू थर्टीन से थोड़ा आगे और फोर हमारे यहाँ पे बनेगा ठीक है इसके लिए यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पे कैसी लाइन ड्रॉगी ये देख लेते हैं तो ये यह हमारा यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा कुछ कुछ ऐसा ड्रॉ करेगा क्योंकि यहाँ पे सारी पॉइंट हमारी लाई करनी चाहिए ठीक है ये यह हमारे यहाँ पे ऐसा ड्रा हो गया तो अगर मैं यहाँ पे इसका स्लोप बनाना चाहूँ तो स्लोप हमारा यहाँ पे कैसे बनेगा ये हमारा स्लोप बनेगा यहाँ से और फिर ये यहाँ से थर्टीन पॉइंट टू पर था तो समथिंग यहाँ पे कुछ होगा तो ये हमारा बन गया इसका ग्राफ ठीक है ये हमारा इसका क्या बन गया ग्राफ बन चुका है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए फिर बाद में हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया था रजिस्टेंस के बारे में पूछा गया था तो रजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करेंट होता है कितना होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करेंट होता है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहाँ पे कितना दे रखा है थर्टीन पॉइंट टू लास्ट वाले का देखेगा तो यहाँ पे थर्टीन पॉइंट टू हो जाएगा और करंट हमें यहाँ पे क्या रखा है फोर पॉइंट जीरो अगर मैं यहाँ पे इनको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा थ्री पॉइंट थ्री ओम क्योंकि रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो हमारी किस में होती है ओम में होती है और ये हमारा लास्ट में जो बना था ये हमारा क्या था स्लोप था जिसमें हम यहाँ पर रजिस्टेंस निकाल लेंगे इसका होप आपको ये समझ में आया होगा अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ